मछुआ में पुरवाई में जाने वाला पल कहता है आने वाला कल सुनता है गांवों का रूप बदलना है सपनों का ढंग बदलना है हाँ। हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े हम गांव के संग है आगे बढ़े विज्ञान की नीली छाव चले है ज्ञान का दीप रोज जले गीत रचो हम देंगे ताल वाह चौधरी करो कमाल तुम संग थामी हमने मशाल सच तो ये है बाबूजी कि अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथेव च धर्म अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है पर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना श्रेष्ठ कर्म है बोल इंतकाम जिंदाबाद इंतकाम जिंदाबाद माफी मांगनी है तो शकुंतला से मांग चौधरी साहब मैं तो माफ कर दूंगी आप कह रहे हैं तो उसका पति भी लौटा दूंगी लेकिन पहले इससे कहिए कि ये मेरा पति लौटा है कहिए चौधरी साहब कोमल स्वभाव नारी का गहना होता है शकुंतला थोड़ा शांत भाव से सोच बाबूजी कभी किसी पर दबाव नहीं डालते अगर वो कह रहे हैं आगे पीछे का सोच समझकर शकुंतला होनी को कोई नहीं टाल सकता जो हो गया सो हो गया सूरज सिंह बहाना बन गया रामफल की सतगति का मैं तो कहूं तू अपने बारे में सोच अपने बेटे फूला के बारे में सोच उसकी तरक्की के बारे में सोच तेरे लिए जरूरी है मान जा शकुंतला जमीन कर्ज कागज सब ले ले सारी जायदाद ले ले लेकिन बस एक बार मेरे पति के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ले शकुंतला उन्हें जेल से छुड़वा दे एक बार अपनी शिकायत वापस ले ले शकुंतला मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मान जा शकुंतला मान जा मैं तेरे पांव पड़ती हूँ ठीक है मैंने तेरे पति को माफ किया जा मैंने तुझे और तेरे पति दोनों को माफ किया मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल सकती कभी नहीं भूल सकती चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद
अपनी जाकेट को उतारने के बाद मैंने क्या किया कि जो दाईं तरफ से मुझ पर गोलियां चला रहा था उसके पीछे गया और उसे पकड़ के उसके नकाब उतारने की कोशिश की। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लेकिन उसके नकाब मेरे हाथ में नहीं आई। दुश्मन कितना ही शातिर क्यों ना हो लेकिन अपने गुनाहों के निशान छोड़ ही देता है। उसके यही गुनाहों के निशान मुझे उसकी गिरेबान तक पहुंचाएंगे। नींद बिगाड़ा काम बिगाड़ा, जरूर कुछ गड़बड़ है। इस तिकड़ी के पहले ऐसे तेवर तो नहीं थे, पता करना पड़ेगा। नमस्ते दादाजी। हाँ आजा बेटा आजा आजा। अब तबीयत कैसी है? बस एकदम ठीक है बेटा। वो दादाजी राजवीर? राजवीर अंदर कमरे में। राम राम दादाजी। आजा नंदू, क्या हाल है तेरा? सब बढ़िया दादाजी, तबीयत कैसी है बाप की? अरे ठीक है। वो दादाजी राजवीर? हाँ राजवीर। राजवीर अंदर है जी। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, जरूर कुछ गड़बड़ है। इस तिकड़ी के पहले ऐसे तेवर तो नहीं थे, पता करना पड़ेगा। आजा बेटा आजा। धर्म दवा ली बाबू जी? अब हाँ ले ली। अब तबीयत कैसी है?
ठीक है बेटा पहले से। ये राजवीर अंदर है क्यों? अच्छा गया नहीं आज? कहाँ? तो नंदू और फूला आए हुए हैं अभी। अच्छा न तो ठीक है। तू कुछ परेशान दिख रहा है मेरे को। नहीं बाबूजी नहीं, मैं थोड़ा थक गया था बस। वो पुलिस थाने से कोई खबर आई क्या? ना अभी तो कोई नहीं आया बेटा। गांव में पूछताछ कर रहे होंगे, तफ्तीश कर रहे होंगे। पुलिस का काम भी बहुत भारी होता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में तैनात रहना पड़ता है। और आबादी के साथ साथ क्राइम भी तो कितना बढ़ रहा है। किस किस को न्याय दिलाएंगे बेचारे? क्या बाबूजी, किसान हर मौसम में सतर्क रहता है, फौजी हर समय तैनात रहता है, तो इन पुलिस वालों से ये उम्मीद भी नहीं लगा सकते क्या? अरे बात तेरी ठीक है बेटा, लेकिन हर इंसान के लिए फौजी और किसान बनना आसान नहीं होता। ये बनने के लिए इंसान को बहुत त्याग करना पड़ता है, सारे ऐशो आराम छोड़ने पड़ते हैं। ये तो है बाबूजी। तू ऐसा कर, कल ना वो पॉली हाउस चला जा और अपने साथ किसी को ले भी जाना। बाबूजी आप बहुत टेंशन लेते हो। मैं कहाँ टेंशन ले रहा हूँ, मैं तो कहीं जाता आता भी नहीं, घर में बैठा रहता हूँ। ठीक है बाबूजी। किसी को साथ ले जाना बेटा। हा? जी बाबूजी। खिचड़ी पक रही है इन लोगों की। बस हिम्मत से काम लेना है, रास्ता तो हम निकाल ही लेंगे। अब सिर्फ बदला, खून का बदला खून। चौधरी भाई मेरा तो मन कर रहा है कीकर सिंह के टुकड़े टुकड़े कर कर कीकर के पेट पे लटका दूं। पानी सर से ऊपर जा चुका है, जैसा नाम वैसा चरित्र, उसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। पर चुपचाप, अगर दादाजी को हल्की सी भनक भी लग गई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और वैसे भी पुलिस अपनी छानबीन कर रही है। जानता हूं, तू पक्के तौर पर कह सकता है ये कीकर सिंह ही है, सुनार नहीं? अरे सुनार के बस की कुछ नहीं है यार। और कीकर सिंह के गुंडों को कौन नहीं जानता? याद नहीं कबड्डी के मैदान में कितने सारे गुंडे लेकर आया था? हार दिल पे ले ली और बेइज्जती बर्दाश्त ना हो सकी उससे। पर ये क्या तरीका हुआ बदला लेने का? तू तरीका क्यों देख रहा है यार, तर्क देखना। दादाजी की शर्त तो सरेआम हार गया और इसी बात का बदला उसने लिया है। वो उसने ले लिया, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। घर में घुस के वार करना आसान नहीं है। वही तो, उसे लगता है कि गांव के सारे लड़कों ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं। अरे फाड़ के रख देंगे उसे। देख भाई, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो भी करना है बहुत होशियारी से करना होगा। मतलब तू ये कहना चाहता है अगर अब हमने उस पर हमला किया तो पुलिस का सीधा शक हम पर जाएगा? बिल्कुल,
कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। भाई मुझे नहीं मालूम क्या सांप है और क्या लाठी, मुझे तो उसे उसी हाल में पहुंचाना है जिस हाल में उसने दादाजी को पहुंचाया। बस हिम्मत से काम लेना है, रास्ता तो हम निकाल ही लेंगे। अब सिर्फ बदला, खून का बदला खून। खून का बदला खून। स्वाति का फोन क्यों नहीं लग रहा? मां को फोन करती हूं। हेलो हेलो माँ। बेटा मंजू कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, घर पर सब कैसे हैं? घर पर सब ठीक है बेटा, तू बता तू कैसी है? माँ सुना है कि दादाजी को किसी ने गोली मार दी है, बस उन्हीं का हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। स्वाति का तो फोन नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा आप ही से पूछ लूँ, अब कैसे हैं दादाजी? बेटा सब ठीक है, बस भगवान की आंख सीधी थी तो सही सलामत घर वापस आ गए। जानती हूँ माँ, जब से मेरी सास को पता चला है ना कि दादाजी को किसी ने गोली मार दी है, तब से तो वो खुशी से नाच रही हैं। हाँ ससुर जी थोड़े चुप से दिखे। बेटा यहाँ पर सब लोग यही कह रहे हैं कि ये सब तेरे ससुर ने तो नहीं करवाया। नहीं माँ ऐसा नहीं है, मेरे ससुर तो सास के सामने ही कुछ नहीं बोल पाते, तो ऐसा करने की तो वो सोच भी नहीं सकते। ठीक है बेटा, अगर तुझे कुछ पता चले तो बताना। हुँ? और माँ बाबूजी कहाँ है? बेटा बाबूजी ना चौधरी साहब के हालचाल लेने गए हैं, जैसी वापस आते हैं मैं तेरी बात करवाती हूँ। ठीक है? ठीक है माँ, रखती हूँ। ठीक है बेटा। भाई चौधरी साहब तो पूरे गांव को अज्ञानता के अंधेरे से बाहर करना चाहते हैं, और ये गांव वालों को देखो उनके पीछे पड़ गए। भाई भलाई का जमाना ना है, करो भले की हो बुरे की। हो बुरे की। भाई उन्होंने जो सोलर प्लांट लगाने की बात की थी, थोड़े दिनों बाद पूरे गांव में खंबे लग जाएंगे और देखना एक दिन पूरा गाँव रोशनी से भर जाएगा। सरपंच साहब, चौधरी साहब ने सोलर प्लांट लगाने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले, पर लोग थे कि मानते ही नहीं थे। ओ मांगी कहीं मारी तरफ इशारा तो ना करना। ना चाचा कैसी बात करते हो, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो गांव के उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने चौधरी साहब से बात करने तक भी मना कर दिया था, लेकिन चौधरी साहब ने पीछा नहीं छोड़ा। हाँ भाई यो बात तो है कि भाई चौधरी ने बताने में बहुत मेहनत करी। भाई मैं तो आज गांव के चौपाल पे जाके पूरे गांव वालों को ये बात बताऊंगा। सरपंच साहब, मैं तो चौधरी साहब के घर जाके उन्हें ये बताने जा रहा हूँ कि जो सोलर प्लांट की शुरुआत उन्होंने की थी ना, वो अब अंजाम तक पहुँच गया। ठीक है मांगे, ठीक है चौधरी के पास, और हम चले चौपाल की तरफ। चलो जी सरपंच जी। ठीक है ठीक। आज गांव की चौपाल पर जब मैं इस पूरे गांव को ये बात बताऊंगा तो वो क्या कहेंगे? वाह चौधरी। घर
घर में गैस भी है, हीटर भी है, पर नहीं, खाना तो चूल्हे पे ही बनेगा। पता नहीं सुधार इस घर में कब आएगा। कुछ भी कर लो, रोज रोज का एक काम हो गया मेरे लिए तो। नमस्ते चौधरी साहब, आराम कर रहे हैं क्या? बाबूजी तो इनके साथ ड्रेसिंग कराने गए हैं। ओ, तब तो दोपहर तक आएंगे। जी, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, मैं तो चौधरी साहब का हालचाल पूछने आया था। आप बैठिए ना, मैं माजी को बुला देती। नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। अच्छा, नमस्ते। राम राम। पोसम पा भाई पोसम पा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। फिर शुरू हो गया। मेरे रिहा होने में 1 रात का फासला है। अब की बार जब सूरज बाहर निकलेगा तो भगवान कसम अपने दुश्मनों को खूब तपाएगा। दरोगा को छोड़, मुझे तो एक बात खाई जा रही है कि मैंने 2 लड़के भेजे थे, वो 4 कैसे पहुंचे? 4? क्या बात कर रहे हो सरकार, ये 4 कैसे हो सकते हैं? यही बात तो मेरे दिमाग को खाई जा रही है। ऐसा कौन है जो मेरे कंधों पे रखकर गोली चला रहा है? बदलना है सपनों का ढंग, बदलना है।